वैसे नैनीताल में घूमने की जगह तो बहुत सारी हैं। तो भैया थैंक यू। बिल्कुल ओके थैंक यू। हाय कर रहे थे। मतलब नंगा हो गया, अभी नंगा हो गया, आप समझ जाओ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं केजी ब्लॉग्स। तो भाई न्यू वीडियो लेकर आ गए हैं भाई। सुबह हो चुकी है, देखो भाई सुबह हो चुकी है और यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है। पैकिंग चल रही है इस टाइम। तो भाई आज का सीन ऐसा है, तो हम आज जाएंगे कैंची धाम, सबसे मशहूर मंदिर विदेशों में भी और इंडिया में भी। भाई कैंची धाम जाएंगे और एक जगह और जाएंगे, जंगल सफारी है ना भाई। आज फुल टू मजा आने वाला है। सरप्राइज रिवील कर दिया जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में कहा था, मैं बताऊंगा। तो भाई जल्दी से तैयार हो रहे हैं, नहा धो लिए हैं, बस पैकिंग चल रही है और फिर निकल रहे हैं अपनी बाइक पर और GoPro पे मिलेंगे जल्दी से। बाकी वेट करिए, मिलते हैं GoPro पे। गियर अप हो चुके हैं, तो भाई लव भाई भी अपना गियर्स पहन रहे हैं। चलो भाई नीचे चलते हैं अब। भाई यहाँ की रोड इतनी तीखी है, बहुत तीखी चढ़ाई है यहाँ की। इतनी मनाली शिमला कहीं की नहीं लगी मुझे जितनी यहाँ की तीखी चढ़ाई लगी। पूरा जोर लेती है चढ़ने में बाइक। कैंची धाम यहाँ से 19 किलोमीटर है, एक घंटे का रास्ता दिखा रहा है। बाकी देखो कितनी देर में पहुँचते हैं, आज कितने किलोमीटर चलती है। जिम कॉर्बेट दूर है, 70-80 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बाकी कैंची धाम 19 किलोमीटर दूर है, पहले कैंची धाम जाएंगे फिर जिम कॉर्बेट। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। वैसे नैनीताल में घूमने की जगह तो बहुत सारी हैं, पर हमने मेन चीज़ें देखी यहाँ पर भाई, मेन चीज़ें करी। बाकी आप घूम सकते हो, मैंने मैप दिखाया था पिछले मैप में, वो पिछली वीडियो में, कि आप उस मैप से आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो देख सकते हो वहाँ पॉज करके। बाकी कैंची धाम चल रहे हैं और ठंड बहुत हो रखी है, देखो वहाँ पे क्या सीन रहता है जिम कॉर्बेट में। भाई वैसे सुबह सुबह निकलो तो टाइम बचता भी है, क्योंकि जाम वाम नहीं मिलता, एकदम क्लियर रास्ता मिलता और जल्दी पहुँचता बंदा और ठंडक में पहुँच जाता है, मज़ा आता है। भाई 7 बज चुके हैं, व्यू एक नंबर का है भाई सुबह सुबह का। तो सनराइज़ हो चुका है, देखो भाई व्यू देखो भाई, एक नंबर का व्यू, मज़ेदार। बाबा का मंदिर आने वाला है, बस आप देख पा रहे हो नीचे की तरफ कितनी भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा। भाई इस टाइम दर्शन के लिए बहुत लोग आए हुए हैं, इतनी सुबह आने के बाद भी इतनी भीड़ दिख रही है हमें इतनी सुबह। हम तो सोच रहे खाली मिल जाएगा। बाकी बाबा के दरबार आ चुके हैं, पार्किंग नहीं लगा देते हैं पार्किंग में। चलो भाई सामान वामान उतारते हैं, दर्शन के लिए चलते हैं। तो भाई सारे गेट्स उतार के रख दिए हमने, सारे भैया को दे दिए। भाई कह रहे हैं कोई नहीं छेड़ेगा, हम ध्यान रखेंगे, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं। तो भाई अब कैंची धाम की तरफ जा रहे हैं, बाबा के मंदिर, आरती का टाइम है। कैंची धाम कहते हैं और क्या कहते हैं इसे, एक और चीज़ और कहते हैं, नीम करौली बाबा का, नीम करौली बाबा धाम, हाँ धाम ऐसे कुछ कहते हैं शायद। तो चलते हैं, हम भी पहली बार दर्शन करेंगे हमें, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं तो। तो भाई भीड़ तो काफ़ी आई हुई है, भैया ने बताया था पार्किंग दो है, एक ये वाली एक ऊपर जाम में खड़ी करी है। भैया से बात करी थी हमने, तो वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, जहाँ तक फ़ोन अंदर नहीं ले आने देंगे, जहाँ तक ले जाया जाएगा वहाँ तक मैं वीडियो बनाऊँगा पक्का, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी चल रहे मंदिर की तरफ चल रहे हैं पैदल पैदल, अभी थोड़ी सी दूर और रह गए। हीरा मंदिर बाबा का, क्या बात है, आरती चल रही है भाई, आरती हो रही है। तो सुबह की आरती बोलेगी, हम भी देख लेंगे। मुझे प्रॉपर स्टोरी नहीं पता, नहीं तो मैं तुम्हें बताता स्टोरी क्या है। बाकी यहाँ कहते हैं कि ये जो बाबा हैं इनसे हनुमान जी मिलने आते थे, है ना, मिलने आते थे है ना। तो उस पुल तक ही फ़ोन ले आने देंगे, प्रसाद ले लेते हैं और जूते उतार लेते हैं। चलो चलो फिर चलो वहाँ उतार देंगे, क्या दिक्कत। भाई अंदर चल रहे हैं, अब प्रसाद ले लिया हमने। गाइस दर्शन कर कर आ गए हैं भाई, अब पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, अब जाएंगे सीधा जिम कॉर्बेट। दर्शन बढ़िया हुए, दर्शन बहुत बढ़िया हुए भाई, शांति। बैग में सामान रख लिया है, गियर्स पहन लिए हैं, तो भाई अब जिम कॉर्बेट की तरफ बढ़ेंगे। भाई मैंने एक चीज़ देखी यहाँ, सनराइज जब जैसी हुआ ना, तो सबसे पहले धूप मंदिर के ऊपर आई और ये चीज़ गजब थी। अंदर फोटोज़ वोटोज़ वीडियोज़ बनाना मना था,
तो भाई बाहर से ही बनवा ली मैंने जो भी वीडियोस बनाई। बाकी अब जिन कॉर्बेट जा रहे हैं, 2 घंटे का रास्ता बता रहा है और 92 किलोमीटर्स है। ओ भाई, तो 92 किलोमीटर्स का जाने का है, फिर हमारा टोटल दिल्ली हो जाएगा समझ लो 380 करीब हो जाएगा। उसके तेरे ग्लव्स रह गए, वो चलते हैं अब जिम कॉर्बेट मज़े लेने। भाई ये बता रहे हैं जिम कॉर्बेट में भी हमने बात करी कि शेर वेर चीते वीते सब दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है इस वजह से निकल रहे हैं बाहर। देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है और कैसे मज़े आते हैं, बस दिख जाए बढ़िया से, मज़ा आना चाहिए बस जिम कॉर्बेट में। इन भैया ने साथ दिया। हाँ, ये भैया ने ध्यान रख लिया हमारे सामान का है। हाँ, ब्लॉगिंग करते हैं। चैनल कौन सा है आपका? केजी ब्लॉग के नाम से है। केजी ब्लॉग से बाइक में लिखा नहीं है। हाँ, मैंने लिखवाया नहीं है बट टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कोई नहीं, लेकर आओ। तो भाई सब्सक्राइब करवा लें भाई, जहाँ सब्सक्राइबर बढ़े बढ़ा लो। देखो बाबा की इतनी कृपा, सब्सक्राइबर खुद ही आ रहे हैं कि भाई केजी ब्लॉग से, तो भाई आओ सब्सक्राइब करेंगे हम तुम्हें। तो भाई सब्सक्राइब करवा देते हैं, फिर चलते हैं अपना जिम कॉर्बेट की तरफ। तो भाई कई हज़ार आदमी आता है ट्यूजडे वाले दिन, बता रहे बहुत भीड़ आती है, आप सही वक्त पर आए। भाई देख लो दूसरे नंबर पे ही आ जाता है मेरा चैनल। तो भाई सब्सक्राइब कर दिया है, आएंगी वीडियो। हाँ, बेल आइकन भी दबा दिया, आते ये लो भाई। चलो ओके भैया, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ओके थैंक यू। चलो भाई, काफ़ी अच्छे लगे यहाँ के लोग, काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो भाई एक बार चलते हैं, जय श्री राम लिख दो कमेंट में, भर दो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई चलो जिम कॉर्बेट की तरफ। जैसे मैंने देखा है इस ट्रिप में एक चीज़ बढ़िया होती है, इस ट्रिप में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई कि हम हर एक दिन जब भी उठ रहे हैं तो सबसे पहले मंदिर के दर्शन होते हैं जब हमारी आगे की ट्रिप चालू होती है। आज भी हमने यहाँ मंदिर के दर्शन करे, बाबा के दर्शन करे और फिर से हमारी न्यू ट्रिप मतलब न्यू व्लॉग वहीं से शुरू हुआ। मतलब अच्छा लगता है कि यहाँ सुबह सुबह मंदिर की दर्शन करके हम आगे बढ़ते हैं, अपना ट्रिप को चालू रखते हैं और काफ़ी मज़ा आता है सुबह सुबह भगवान के दर्शन करके अपना व्लॉग आगे चालू करें। ठीक है, और मंगलवार है और मंगलवार को हमने बाबा के दर्शन करे हैं, आरती ली है, आरती भी हो रही थी, आरती भी ज्वाइन करा हमने, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बाकी यहाँ सुकून है कह सकते हो, मंदिर ऐसे जब नीचे उतरते हैं ना तो मंदिर दिखता जब बीच में से चारों तरफ पहाड़ और बीच में मंदिर, तो इतना अच्छा सा लगता है देखते हुए पूछो मत। काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं दूर दूर से बाबा के दर्शन करने। गाइस इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं दिल खुश सा लग रहा है, पता नहीं मन एकदम बिंदास सा लग रहा है, पता नहीं कहाँ क्या हुआ, मतलब पहले से और बेटर लग रहा है, बस ये कह सकता हूँ मैं, इतना समझा सकता हूँ ऐसे दर्शन वर्शन करके। क्योंकि दिल बहुत था मेरा यहाँ आने का, बहुत ज़्यादा, मैंने कई बार लव से कहा कि यार मेरा बहुत मन है यहाँ आने का, वो ज़रूर करना है, कैंची धाम ज़रूर जाना है, और कहीं घूमे ना घूमे कुछ करें ना करें पर कैंची धाम ज़रूर जाना है। तो उन्हें कहने लगा टेंशन मत ले, दर्शन कर कर आएंगे। मैंने कहा ठीक है चल भाई कोई नहीं चलो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके, जब सपना पूरा हो जाता है ना कहीं जाने का या कुछ करने का कुछ मिलने का, तो इतना सुकून मिलता है और इतनी खुशी मिलती है अंदर से, वो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते किसी को। हाय कर रहे हैं सब अच्छे। भाई साहब क्या है ये बवाल, ओ वही तो, रुक 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 भाई, देखो भाई चारों तरफ भाई अलग ही नज़ारे। नैनीताल यार मज़ा आ रहा है यार, एक बात है भाई नैनीताल बिल्कुल आ सकते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना, बहुत सुंदर है यार नैनीताल, बहुत ज़्यादा सुंदर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो जो मैंने करा वहाँ जिम कॉर्बेट की तरफ भी जा सकते हो आप, जैसे मैंने रूट पकड़े हैं, बाकी काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं भाई जिम कॉर्बेट की तरफ जाते जाते, बहुत सुंदर वैली। हल्द्वानी 25 किलोमीटर, भाई हल्द्वानी मुझे याद से आ रहा है, ये सौरभ जोशी की है क्या? हल्द्वानी सौरभ जोशी रहता है शायद। हाँ भाई सौरभ जोशी के घर जा रहे हैं हम,
भाई कितने सारे स्पीड ब्रेकर बना दिए भाई, इन्हें गाड़ी रोकनी है, पूरा पूरी बस रोकनी है, हवाई जहाज रोकना है। तो कैसे देख रहे हैं रिएक्शन, तो ऐसे ऐसे मिलते हैं जैसे हम कहाँ से आए हो, दूसरे प्लेनेट से। तो भाई जैसे जैसे नैनीताल से दूर जा रहे हैं थोड़ी ठंड कम होती जा रही है, क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत बात है, सही बात नहीं है, थोड़ी तो ठंड रहा है भाई, थोड़ी तो लाज रख लो। लव को देखो, देखो लहरी पप्पू बन रहा है, ओए 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 ओए। चंगेज खान लैंडस्लाइड हो रखी है आगे। अच्छा भाई ये रोड मस्त है भाई, पीछे इतनी खराब रोड आई थी अभी थोड़ी सी भाई, क्या व्यू ऊपर की तरफ देख रहा हूँ ना, अलग ही लग रहा है भाई साहब, अलग ही सब 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 खिंचवा रहे हैं। हाय अंकल, चित्तकदाना, हाय गाइस। देख रहे थे मुझे पीछे मुड़ के, भाई रोक ली भाई, रोक लिए उन्होंने मेरे को, देख रहे थे दाने ऊपर दाना चित्तक दाना, लड़की नचे लड़का है दीवान। तो गाइस अपना ऐसे पेट्रोल बचा सकते हो क्लच दबा के, हम तो जब से ऐसे उतार रहे हैं एक दो तीन लीटर तो बचा ही लेंगे, ऐसा लग रहा है बैटरी वाली वो चला रहे हैं भाई। सात आठ किलोमीटर रह गया बस, 15-20 मिनट का और रास्ता है और पहुंच जाएंगे अपना, थक गए भाई, जिम कॉरिडोर पहुंच जाए, देखे भैया कैसा होता है, मैं तो पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा क्योंकि लव भाई तो पहले भी आ चुके हैं, देखते हैं कैसा रहता है, कह रहे काफ़ी अच्छे होते हैं जिम कॉरिडोर। चलो भाई जल्दी भर दो, लव तो इतनी बार पेट्रोल भरवाने रुकता है, जूँ पेट्रोल जूँ पेट्रोल, अब तक मैंने दो बार भरवाई होगी टंकी बस, अभी भी है, भर गया पेट्रोल उसका, धीरे धीरे चलो। सब तीनों बाइक वाले पीछे मुड़ के देखें, देखिए भी देख रहा है, एक लड़का जा रहा है बैग बांध के जिस सर पे, वो भी देख रहा था। अरे जीप ये रही गाइस, जीप खड़ी हुई, इन्हीं जीपों में जाएंगे हम। जिस गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं, तुल्ले रिसॉर्ट है उसका नाम, क्या हुआ आ गया क्या, हाँ ये रहा इस तरफ अतुल्य, ये रहा आ गया, राइट में था, अबे उधर कहाँ ले रहा है, अतुल्य रिसॉर्ट ये है, तू कहाँ ले रहा है, राइट से ले लेफ्ट से ले, लिखा है राइट में लिखा है, इधर है ये वो अलग है, ये अलग है उधर है, हाँ अतुल्य में उस साइड, वो क्या है ये लापल है, लापल है, अबे वो नहीं है, इधर आ दूसरी तरफ, तू उधर घुस गया, हाँ अतुल्य का इतना बड़ा बोर्ड लग रहा है बाहर, यूटर्न आ, फोन निकाल ले बस बुकिंग दिखाने के लिए, आ जा फोन में ही है तो बता दे नाम, बता दे नाम तो लिखा ही होगा ना पे। फाइनली रूम पर आ गए हैं, तो भाई काफ़ी अंदर मतलब रूम जो है अंदर से काफ़ी अच्छा, दिखाता हूँ मैं आपको, देखो भाई ये बाथरूम है, वही बाथरूम दे रखा है, बाकी अलमारी है, बाहर का व्यू दिखाता हूँ, बाहर का तो इससे भी प्यारा है भाई, और ये तो पर्दे खोली हुई मैं, देख यहाँ से क्या व्यू आएगा, ओए होए देखो क्या आ रहा है व्यू, एक बार बाहर चल के दिखाता हूँ क्या क्या है, थोड़ा ओवर व्यू देख लो, हमारा कॉटेज 4 है, तो भाई इसी के पास स्विमिंग पूल भाई, बिल्कुल बराबर में ही, बिल्कुल अच्छी लोकेशन दे रखी है, शायद सामने रेस्टोरेंट सा है शायद, बाकी अभी देखेंगे क्या क्या चीज़ें अंदर, काफ़ी सारे रूम्स बना रखे हैं, बाकी बहुत सुंदर बना रखा है, कॉटेज मिला अलग से हमें प्राइवेट रूम एकदम मस्त, बिल्कुल बिल्डिंग से हट कर भाई, ये सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे, बाकी अंदर चल के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है ना, कुछ भी नहीं खाया हमने, खाना है तो कुछ पहले खाएंगे, चलो भाई खाना ऑर्डर करते हैं फिर आगे ब्लॉग चालू करेंगे। खाना आ चुका है, खाना भी क्या हमने चाइनीज मंगाया है, खाना तो नहीं कह सकते इसे, छोटा सा ब्रेकफास्ट क्या बोल सकते हैं, है ना, तो क्या क्या मंगाया है हमने दिखा देते हैं भाई, कैसा है, काफ़ी तरीके से पैक करके लाया है, ठंडा ना हो,
ये लाया है चाउमीन, आका नूडल्स कह सकते हैं, पोटैटो। तो भाई खा ले थोड़ा बहुत, थोड़ी एनर्जी आई, काफ़ी थके हुए हैं, नींद सी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से फटाफट खाते हैं। लव नंगा हो गया, हम भी नंगे हो गए, आप समझ जाओ, स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे भाई। और कुछ तौलिया तो ले लिया, और एक कपड़ा ले ले बाई चांस, हाथ पर पूछ के मैंने ले लिया भाई। चलो चलते हैं, आ जाओ भाई नंगे, नंगू पंगू चले। चलो भाई, चलो भाई अब चलते हैं पूल की तरफ। चलो भाई चलो, पूल में मजे लेंगे और बाकी सब मजे ले रहे हैं। आ जाओ भाई, लॉक लगा दे। चलो भाई चलो, लवे और करता है भाई है, ये तो बोला ही नहीं तूने, करता है भाई है क्या। चल पानी के अंदर चलते हैं, रुक जा, 1 2 जा, 1 2 3। फाइनली आ चुके हैं हम पूल से, रेडी वेडी हो गए हैं भाई, नहा धोकर एकदम फिर से दो बार फिर नहा लिए है ना भाई। तो अब भूख लग रही थी तो भाई ने जल्दी ऑर्डर कर दिया, मैं तो नहाने गया हुआ था। देखो क्या मंगाया है, क्या क्या मंगाया तूने भाई, क्या है ये? अच्छा कढ़ाई पनीर है, नहीं ये तो मंचूरियन है, ये कढ़ाई पनीर होगी, हाँ ये कढ़ाई पनीर है, बाकी रोटी है। तो भाई फटाफट खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है, क्योंकि नहाने के बाद भूख लगती है समझ, ऐसा बहुत ज़्यादा खाए ठंडा होने शुरू हो जाएगा। रात हो चुकी है, खाना वाना खा लिया है, तो भाई अब सोने जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है जंगल सफारी के लिए, क्योंकि जल्दी उठेंगे तभी जीप मिल पाएगी। और एक चीज़ और, अगर आप आ रहे हो जंगल सफारी करने तो एक चीज़ याद रखना, 45 डेज पहले बुकिंग करवानी पड़ती है जब जाके जंगल सफारी होती है। हम तो बस इंस्टेंट देखेंगे, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। बाकी अभी सो जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, रात हो गई है, मैं भी बहुत थक चुका हूँ, पूरे दिन से मस्ती कर रहे हैं। बाकी ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।